हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ नेगेटिव एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालने हम लोग सीखे थे, चाहे वह डिग्री में हो चाहे वह रेडियन में हो। हम आसानी से उस एंगल पे दिए गए फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग का प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। तो अब हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा चीज़ पढ़ना है, वह है लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू, उसका कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब लिमिट है। यदि अभी हम लोगों ने एंगल साइन पे बहुत सारे वैल्यू, एंगल पे साइन का बहुत सारे एंगल पे वैल्यू निकालने सीखे, साइन 90 डिग्री आपने देखा, साइन 0, 30, 45, 60, फिर जो है साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 210, साइन 360, साइन 1860, 1830, बहुत सारे एंगल पे हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब बहुत सारे जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या होता है, पर उसमें जब निकालिएगा एक टेबल के रूप में सजाइएगा तो देखिएगा वैल्यू, जब जहाँ से खास करके 0 से 360 डिग्री तक कौन कौन पे एंगल पे भी आप घर में निकाल के देख सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 300 ये हो जाएगा 315, फिर 330 एंड 360। इन कुछ पार्टिकुलर एंगल पे यदि आप साइन जो फंक्शन है उसका वैल्यू निकाल के देखें और एज ए टेबल में यदि सजा के रखें तो आपको पता चलेगा कि इन एंगल्स पे सबसे बड़ा जो वैल्यू आया है वो क्या आया है और सबसे छोटा वैल्यू क्या आया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप घर में आपको होमवर्क समझिए है, इन एंगल्स पे किसका वैल्यू निकालना है जी, साइन पे, इतना जो एंगल्स है सब पे किसका वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। साइन का वैल्यू निकाल के देखिएगा, देखना है, चेक करना है कि उसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या आता है, सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा। तो आपको बता दें, सबसे बड़ा वैल्यू आएगा 1 और सबसे छोटा वैल्यू आएगा -1। उसके अलावा इससे 1 से बड़ा वैल्यू कभी भी नहीं आएगा और -1 से छोटा वैल्यू भी कभी भी नहीं आने वाला है। चाहे आप अभी हम 360 तक ले लिए, आप ये जो है बताएंगे आपको साइन और कॉस, साइन कॉस ये जो फंक्शन जो होते हैं वह पीरियोडिक फंक्शन होते हैं 2π के, 360 के, तो बताएंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होते, बताया जाएगा। लेकिन यदि आप कोई भी एंगल अभी आप 360 तक देख लें तो देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, ये चेक करने का तरीका है। इसके अलावा आप कोई भी एंगल ले लें, यहाँ पे 360 तक लिए हैं, चाहे 2210 ले लें, 1830 ले लें, उन सभी पे कोई भी पार्ट एंगल पे यदि आप साइन का वैल्यू निकालिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू आएगा -1। हम 360 तक ही इसलिए बोलें क्योंकि साइन और कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होता है 2π, मतलब 360 के बाद आप कोई वैल्यू लीजिएगा वैल्यू क्या करता है, रिपीट करने लगता है, वैल्यू जो है रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब जिस एंगल के बाद कोई फंक्शन का वैल्यू रिपीट करने लगता है तो वह एंगल उस फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन कहलाता, पीरियोडिक एंगल कहलाता, मतलब उस एंगल के बाद वो फंक्शन का वैल्यू रिपीट करने लगा तो वह फंक्शन, वह उसका क्या कहता है, उस एंगल पे उसका पीरियोडिक कहलाता है। 360 के बाद वैल्यू चेंज करने वाला लगता है तो साइन और कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2π। तो ये समझने के लिए 360 तक लें, आप कोई भी एंगल ले लें तो देखिएगा उस साइन में मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो पहला जो लिमिट होगा क्या चीज़ ही बोल सकते हैं, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब साइन का मिनिमम वैल्यू होगा -1 या तो उसके बराबर,
और मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 या तो उससे छोटा, मतलब साइन का जो वैल्यू होगा माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा, माइनस 1 से बड़ा मतलब माइनस 1 के बराबर आ तो बड़ा और 1 से छोटा आ तो बराबर, ये हो जाएगा साइन का लिमिट। उसी प्रकार यदि आप कॉस का देखें तो कॉस का भी सेम हो जाएगा माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। कॉस थीटा का भी वैल्यू इन कॉस का वैल्यू इन एंगल पे निकाल के देखें तो वहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस 1 आएगा। यदि आप सेक का निकाल के देखें, सेक का वैल्यू क्या होता है जी, सेक थीटा ये आएगा ऑलवेज ये होगा लेस देन और इक्वल टू 1। सेक थीटा का वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होगा माइनस 1 से छोटा तो बराबर, सेक थीटा का वैल्यू जब भी होगा तो माइनस 1 से छोटा होगा या तो बराबर होगा, या तो फिर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा जी 1 से बड़ा तो बराबर। सेक थीटा का वैल्यू जब भी होगा तो माइनस 1 से छोटा या तो बराबर या तो फिर 1 से बड़ा तो बराबर, इसके बीच 1/2, 1/3 ये कभी भी वैल्यू आने वाला इसका सेक में नहीं है। यदि इसी प्रकार सेक भी लिए हैं, यदि इसी प्रकार सेम कंडीशन होता है किसके लिए जी कॉसेक के लिए, तो कॉसेक का भी वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और या तो फिर कॉसेक थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा है, थीटा पर आप कोई भी वैल्यू दे लेकर के कॉसेक में वैल्यू निकालें, जब भी वैल्यू आएगा तो माइनस 1 से छोटा होगा तो बराबर या तो फिर 1 से बड़ा होगा या तो बराबर, हमेशा इसी के बीच में होगा इसका वैल्यू। पांचवा में देखें तो वैल्यू जब भी होगा तो क्या होता है जी, फिफ्थ में माइनस इन्फिनिटी से लेस देन ये हो जाएगा टेन थीटा और लेस देन कितना इन्फिनिटी, टेन थीटा टेन के लिए कोई भी एंगल पे वैल्यू निकालिएगा तो वैल्यू देखिएगा जब भी आएगा तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, क्योंकि टेन 90 पे वैल्यू होता है अनडिफाइंड, टेन माइनस 90 पे लीजिएगा तो होगा वो अनडिफाइंड, इसलिए बोला जाता है कि टेन पे टेन के लिए यदि आप कोई भी एंगल पे वैल्यू निकालिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का बीच रहता है। यदि आप फिर निकालने किसका जी कॉट का निकालें तो कॉट में भी वही कहानी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन ये हो जाएगा कॉट थीटा लेस देन इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, हालांकि नहीं भी याद रखना तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है क्या क्या है चीज़। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जी 1, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस 1। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू माइनस 1। सेक का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो नहीं कह सकते हैं, जो भी होगा वो 1 से बड़ा होगा। मिनिमम क्या होगा जी, कितना होगा कितना छोटा नहीं कह सकते लेकिन माइनस 1 से छोटा होगा। अब सवाल उठता है कि सर माइनस 1 से छोटा सबसे छोटा अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड नहीं आने वाला है। सेक में बोलिएगा कि क्या ये वैल्यू 0 का अनडिफाइंड होगा तो अनडिफाइंड नहीं आने वाला है, और जो भी होगा अनडिफाइंड को छोड़ करके 1 से बड़ा होगा जो भी होगा, लेकिन वो अनडिफाइंड नहीं होगा 1 से बड़ा होगा। कॉसेक क्या होगा जी, वैल्यू जब भी होगा माइनस 1 से छोटा होगा आ तो फिर 1 से बड़ा होगा। टेन और कॉट में जो वैल्यू आएगा किसी भी एंगल पर टेन और कॉट का वैल्यू निकालें तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच ही लाइज करेगा, उसके और उसके अगल बगल फिर जो मतलब जो भी वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच ही आएगा। तो ये हम लोग को पढ़ना था, कुछ लिमिट्स था दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए इसको नोट कर लें, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज था। हम लोगों ने 5.1 वो कंप्लीट किया हुआ है, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 ये क्या बोलता है, टाइप वन में पहला जो है टाइप वन बोलता है विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव फॉर द फॉलोइंग एंगल। दिया गया एंगल है, टाइप वन में जो पहला क्वेश्चन है और पहला जो एंगल है 315, दूसरा में है -210, तीसरा है -5π/6 रेडियन। और बोलता है इन दिए गए एंगल्स पे कौन कौन सा जो फंक्शन है वह नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। तो देखिए एंगल पहला जो दिया गया है 315 डिग्री
एंड वी नो दैट 315 डिग्री लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा 315 जी 315 ये हो जाएगा 0, 90, 180, 270 इधर होगा 360 तो 315 ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट ऑन इन कहाँ जी इन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट और बोलता है ये 315 डिग्री पे जी कौन कौन सा एंगल कौन कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा तो जो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो फंक्शन नेगेटिव होते हैं सारा वैल्यू क्या होगा नेगेटिव तो जाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा कॉसिक थीटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा और क्या चीज़ी नेगेटिव दूसरा दिया हुआ है -210 डिग्री अब -210 है माइनस में है तो किधर से घूमेंगे जी क्लॉकवाइज तो -90 -180 -210 यहाँ पे आएगा तो होगा माइनस सिंस -210 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट जी सेकेंड क्वाड्रेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट -210 लाइज करता है कहाँ जी सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है एंड वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर नेगेटिव ये तीसरा में कितना है जी -5π/6 रेडियन रेडियन में है तो डिग्री में बदलिएगा तो जाएगा 5π/6 हो जाएगा कितना जी 180π विल कैंसल हो जाएगा 30 तो जाएगा -5 × 30 -150 अब -150 लीजिएगा तो माइनस कहाँ होगा 150 जी -90 -180 यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट तो जाएगा सिंस -150 डिग्री या तो बोल दे -5π/6 रेडियन लाइज इन कौन सा जी थर्ड क्वाड्रेंट एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन नेगेटिव होता है जी साइन कॉस सेक एंड कॉस थीटा आर नेगेटिव क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव वाला पता नहीं करना है बोला कौन उन पार्टिकुलर एंगल पे कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है ये हम लोगों ने पता कर लिया चलिए इसको नोट कर लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जैसे दिया गया है बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग जैसा कि अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग सेकंड का सेकंड नंबर ये बोलता है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ लिखा हुआ है थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और जितने भी क्वेश्चन दिएंगे सेकंड में सब एक जैसा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और देख लेंगे लिखा हुआ छठा में एक सिक्स नंबर देखेंगे कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 ये दिया हुआ है पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप के हैं अब ध्यान दिए बोलता है कि अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया गया है और थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो बचे हुए जो 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनका वैल्यू निकालें
अब क्लास 10 में आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, पहला जो एक्सरसाइज था 8.1 एनसीईआरटी का, वहाँ पढ़ा हुआ था, याद कीजिए। यदि लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो ये दिया हुआ है, तो आपको अन्य और जो है 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करता था उसमें जी, तो यहाँ पे था एक राइट एंगल बना देता था, ए बी सी चे पी क्यू आर जो लेता था एंगल थीटा, तो पी का वैल्यू इतना है 3 और एच है 5, तो इसका भी निकालेंगे, ये कितना जाएगा 4। अब यहाँ से जिसका वैल्यू निकालना था कॉस 10 से कॉसेक कॉट सब का वैल्यू निकल जाता था। बस वहाँ अंतर क्या था जी, वहाँ पे हमने जितना भी देखा था यहाँ पे वैल्यू दिया था सारा का सारा पॉजिटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें, यदि लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो कॉस में क्या होता है जी, बी बाय एच, कॉस में होता है बी बाय एच, मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बी जो है, यदि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो होगा थीटा ए बी सी, इसका मतलब ये नहीं बी बाय एच में ए -1 है और ए 2 है, या तो ए 1 है ये -2 है, ऐसा कदापि नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, क्योंकि बी सी होगा वो भी लेंथ होगा, ए सी होगा वो भी लेंथ होगा, तो लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है। तब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे माइनस फिर क्यों दिया हुआ, ए प्लस और माइनस, इसका मतलब ये नहीं समझिए का बेस या तो परपेंडिकुलर या तो हाइपोटेन्यूस, कोई नेगेटिव में नहीं, वो माइनस इसलिए दिया हुआ है कि देखिए थीटा कहाँ लाइज कर रहा है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखने का, माइनस में लिखने का ये कारण है कि जो थीटा आज कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या है जी माइनस। यदि यही थीटा हम यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करा दें तो ये जो माइनस लिखेंगे तो माइनस गलत हो जाएगा, वहाँ पे लिखना होगा प्लस। तो इसके अनुसार से सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और ये थीटा लिखा हुआ है इसी को दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसको लिख सकते हैं पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है सब कि थीटा लाइज करा थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको इस तरह से भी लिखा रह सकता है। आपको समझना है थीटा जो है पाई मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इसी को आपको ऐसे लिख सकता है 180 लेस देन हो जाएगा 270, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपको डिग्री रेडियन के फॉर्म में होगा या डिग्री के फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उसको आपको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि एक राइट एंगल बना दें तो इसका मतलब फिर से बोले ये नहीं समझना है कि बेस आ तो हाइपोटेन्यूस नेगेटिव है, यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पे बेस है ए 1, ए बी बाय एच ए कितना है जी 2, तो यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1, ये होगा √3, तो ए लेंथ आ गया है कितना जी √3। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालने जाए आसानी से, साइन थीटा कॉस तो है ये हो जाएगा टेन थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा एंड होगा कॉसेक थीटा। अब थीटा लाइज करता है कहाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव, तो टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये काम यहाँ पे हम लोग को करना है। टेंथ में आप जो किए थे इसमें प्लस माइनस का कोई साइन का फंडा नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे था कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव था, तो इसलिए वहाँ पे आपको आसानी से निकाल लें। यहाँ भी आसान है, बस आपको जो कंसेप्ट बताया गया है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, बस उसके अनुसार से काम करना है। तो यहाँ से क्या हो गया जी, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, थर्ड में टेन क्वाड पॉजिटिव इसलिए दिए प्लस, बाकी दिए माइनस, साइन क्या होगा जी पी बाय एच, तो हो जाएगा यहाँ से √3/2, टेन क्या होगा जी पी बाय बी, पी कितना है √3/1, मतलब हो जाएगा √3, कॉट कितना हो जाएगा जी ए 1/√3, फिर सेक कितना हो जाएगा जी यहाँ से -2/1, कॉसेक हो जाएगा कितना 2/√3। अब सेम काम यहाँ पे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कॉट थीटा कॉट एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ -5/12, और यहाँ बोल दिया है कि जो एक्स जो लाइज करता है कहाँ जी पाई बाय टू से बड़ा है और पाई से छोटा है, पाई बाय टू मतलब 90 से बड़ा और पाई मतलब 180 से छोटा। अब बताइए 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट है, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। यदि यही चीज़ साइन में रहता साइन एक्स, और यहाँ लिख देते ऐसा ही, तो यहाँ पे साइन में जो वैल्यू प्लस माइनस लिखा हुआ माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, तो वहाँ पे लिखना होता कितना जी प्लस फाइव बाई ट्वेल्व। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है पी बाय बी, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं एक राइट एंगल यदि बना दें ये हो जाएगा थीटा, यहाँ बना दें हम लोग ए, यहाँ बी सी, तो कॉट में होता है बी बाय पी, टेन में पी बाय बी, बी बाय पी, तो बी कितना है जी फाइव, पी कितना है ट्वेल्व, तो यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा ट्वेल्व स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 13, ये जो वैल्यू आ गया 13। अब सिंस बोल सकते हैं एक्स लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट जी सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देयरफोर सब का ही निकाल दें साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, फिर हो जाएगा टेन एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ से सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी क्या होगा जी नेगेटिव। अब साइन में क्या होता है पी बाय एच, तो जगह ट्वेल्व हो जाएगा 12 बाय 13, कॉस में बी बाय एच हो जाएगा 5 बाय 13, टेन में पी बाय बी तो जाएगा 12 बाय 5, और सेक में हो जाएगा कितना जी बी बाय एच बाय बी, तो जाएगा यहाँ से 13 बाय 5, कॉस से कितना हो जाएगा जी 13 बाय 12। यहाँ तक तो ये वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ देखना ये है कि दिया गया एंगल वह कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। इसी प्रकार से चलिए इसको आप नोट कर लें आप आसानी से, और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं देखिए, फर्स्ट में बोलता है पाई बाय पाई लेस देन थीटा लेस देन थ्री पाई बाय टू, तो वहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एट बाय 17, माइनस में लिखा हुआ है थीटा पाई से बड़ा है 270 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट के अनुसार साइन दिया हुआ है, तो उसी अनुसार से देखिए। अब पाँचवा नंबर में इसको आप नोट कर लें, देखिए फाइव में क्या बोलता है, ये लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू ए फोर बाय थ्री, यहाँ बोलता है पाई लेस देन थीटा लेस देन ए थ्री पाई बाय टू। अब यहाँ माइनस में नहीं है प्लस में है, तो देखिए थीटा कहाँ लाइज कर रहा है जी पाई से बड़ा, मतलब 180 से बड़ा, और थ्री पाई बाय टू मतलब 270 से छोटा, तो सिंस थीटा लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट जी थर्ड क्वाड्रेंट, आज थीटा लाइज कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, और लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ लिखा हुआ प्लस। अब यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल दें हम लोग, यहाँ थीटा ए बी सी या पी बाय बी, तो जगह पी बाय बी ये कितना हो जाएगा जी फाइव। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लें साइन कॉस टेन तो दिया हुआ है, सेक कॉट कॉसिक, यह कौन सा पॉइंट थर्ड, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव जी टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी क्या होगा नेगेटिव, तो साइन होगा पी बाय एच, तो जगह फोर बाय वन फोर बाय फाइव, कॉस होगा कितना जी थ्री बाय फाइव, सेक हो जाएगा फाइव बाय थ्री, कॉट कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर, फिर हो जाएगा यहाँ से कॉसेक हो जाएगा फाइव बाय फोर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू में और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, और थीटा और बोल दिया है थीटा लाइज इन बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज कहाँ कर रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो बोलता है किसका निकालो वैल्यू, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज व्हाट, तो हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। यदि एक
यहाँ से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनावें, आ जाएगा ए बी सी, ए एंगल थीटा है तो कॉस में क्या होता है जी, ये होता है बी, ये हो जाएगा एच, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो होगा रूट अंडर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 इसका वैल्यू। अब थीटा लाइज कर रहा है कहाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देयर फोर यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस, कॉसेक कितना हो जाएगा जी एच बाय पी, फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव माइनस, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में कॉट है नेगेटिव, तो कॉट होगा कितना बी बाय पी, तो हो जाएगा बी बाय पी 3/4, तो हो जाएगा माइनस 5/4 माइनस 3/4, हो जाएगा माइनस 8/4, ये इसका आंसर हो जाएगा कितना जी माइनस 2, देयरफोर बोल सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। हम एक बार आंसर देख लें, माइनस 2 दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4/3, यहाँ बोल दिया 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, लेस देन 2π, तो बोलता है किसका वैल्यू निकालना जी, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये 3π/2 मतलब हो जाएगा 270, 2π मतलब होगा 360, तो बोल सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो जाएगा जी, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब टेन थीटा है तो यहाँ पे यदि राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो होगा थीटा ए बी सी और पी बाय बी, ये हो जाएगा 4 3, तो हो जाएगा 5, तो आसानी से बोल सकते हैं यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फोर्थ में है तो सेक क्या होगा पॉजिटिव, और एच बाय बी, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो होगा बी बाय पी, तो बी कितना है जी यहाँ से माइनस हो जाएगा 4, और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव और बी बाय पी, तो बी होगा 3 और पी होगा 4, तो देयरफोर हो जाएगा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा, 9 हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर माइनस 4, हो जाएगा माइनस 3/4, 9 हो जाएगा 25/9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 × 3/4, 4 विल कैंसल, तो हो जाएगा 25+3, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, 28, हाँ 28 दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया, अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।